कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। का मर्द निराल बलकुरिया के बहू के बाड़ा का बलकुरिया नहीं कर रही गई का हो गई बा बलकुरिया का रह गई बा। अच्छा बलकुरिया के कोनो खास खासियत? बहुत खासियत बा, सुन ले लइकवा बता दी सब पूरा। कुशीनगर समाचार की टीम इस समय मौजूद है कुशीनगर ही जनपद के बलकुरिया गांव में। किसी जमाने में किसी समय में यहां उपाधि एक दी जाती थी, कोई गंवार से जैसा काम करता था, कोई बुद्धिहीन जैसा काम करता था तो उस समय उसको बोला जाता था बलकुरिया के बहू खवा क्या। या ये यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम मिलवाते हैं, बात कराते हैं आपसे, बलकुरिया के बहू की कहानी जानते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। बलकुरिया ये है? हाँ। अच्छा पहले कहल जात रहल हो कि बलकुरिया के बहू खवा का इस शब्द आपके ध्यान में भी रहल का? हाँ रहल। तो आखिर काहे कहल जा? अरे कुछ लोग बुर्बक रहे, नहीं तो अब लोग बुर्बक कहाँ रह गए। मतलब पहले इस तरह के लोग रहे? हाँ। कौने तरह के बुर्बकई करे लोग? जी का बताओ तनिया, बहुत पुरान बात है का रहे, का भोईल गरा। मनो ई बतिया का विकास हुआ, देश का विकास हुआ का पुरनिया ई बतिया। तनी हम बोले दी ई बतिया रहू सुन ले बानी की ये तब से कहल जात रहल हो। सुन ले बे दखले हते तर पर चार हमरा के दखले में सुन ले बहुत अंतर होला। मन सुन ले बानी ना ई बतिया सुन ले, हम ये का निवासी हम के सुन ले आज ले। हमरो दीदी को 76 वर्ष के। कितना उम्र हो गई? 76। अरे बा 76 बरिस में तो आखिर ई बतिया हमनी के कहीं सुन ले बानी के तबियत आई नहीं कही जब वो कह दिया कानवा आखिया को ढेर अंतर नहीं खे पर दखला में सुन ले बहुत अंतर हो जाला, जीरे मान के अंतर हो जाला। चलिए बड़ा नीक लागल आपसे बात करके। बाबा तो कहते नहीं कि बलकुरिया में बहु खोइबे नहीं कर ले, रउरे सुन ले बानी कि नहीं? नहीं हमरा तो होश नहीं के उतना कि हम सुने। अच्छा आखिर काहे कहल जाला ये बतिया के रउरे जानते नहीं कि नहीं? पहले का बुजुर्ग जन होई लो वे नन बताई लो। मनो ओ टाइप के बुजुर्ग अब ओ समय के बचल नहीं खे, रउरो उम्र नगदे लागत तार उरे जान त निका। हमारा पुरनिया लो जी के जमाना में रहे। हां आपका हमनी होश नहीं, 75 की उम्र हमरो हो गई जी। अच्छा 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 रउरे अपने पिताजी से सुन ले बानी का कि यही जग कहल जात रहल है तर से के? हां पिताजी के जमाना में नहीं रहे, उनका उनके बाप के जमाना में काई नहीं होई कि चाहे नहीं होई। तो ई जान तनी काहे कहल जा? आई तनी ई जान तनी काहे कहल जा? बहु का मतलब होला गंवार। हाँ बुद्धि से कमजोर। हाँ तो का ऐसा लोग रहे का ई जग? अब बता नहीं सकल जाला हमनी के। अच्छा मतलब ये बात की रुक जानकारी नहीं के खाली। तो देखिए ये बलकुरिया के लिए कितनी सारी कहानियां हमको सुनने को मिलती थी, कहने को मिलती थी, और कितना बदलाव हो गया है। इस बदलाव को आप देखें। आइए हम कुछ युवाओं से भी यहाँ बात करते हैं। बाबू यहाँ बात करने में, क्या नाम है आपका? संगम। संगम जी क्या करते हैं आप? पान का दुकान चलाते हैं। पढ़ाई आपने कितना की? हाई स्कूल पास कर लिया। हाँ। संगम जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संगम जी आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई की, आपको पढ़ने में मन नहीं लगा आगे के लिए पढ़ाई के लिए या ऐसे ही आपने? घर की मजबूरी की। अच्छा घर की मजबूरी के चलते। हाँ। आपने सुना है क्या कि यहाँ बोला जाता था कि बलकुरिया के बौक? हम लोग विदेश से रिटर्नल हैं, ठीक है, उधर भी बोलते थे, पहले बलकुरिया के बोलते हैं पटरौना तक जी, और उसके बाद से पटरौना को बोलते थे, हम लोग यही सुने हैं। अच्छा विदेश में भी सुना आपने? हाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का, ओनली कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का। कि मतलब बौक रहते हैं? हाँ। अब कैसा महसूस होता है? अब नहीं बोलते हैं सब। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आपको कैसा लगता है? अभी बोलते हैं लोग विदेश में तो बोलते हैं कि हाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से कोई आया है, बुद्धा 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 को मानते हैं ना हम लोग। मतलब बौक की संज्ञा दे करके बोलते हैं ना? नहीं नहीं बुद्धा बुद्धा को आकर देख के गए हैं, अब नहीं बोलते हैं। अब मतलब आप बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू यहाँ बलकुरिया के बौक कहा जाता था, आप कभी सुने हैं ऐसा? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है जो बलकुरिया को बहू लोग कहते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बलकुरिया इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी के कहने से बहू बलकुरिया नहीं हो। वाह वाह
बालक ने बताया कि बलकुड़िया इतना आगे बढ़ चुका है कि ये बलकुड़िया की बहू की जो संज्ञा दी गई, जो कहा गया, जो सुना गया, ऐसा ये कहावत ही रहा। मतलब बलकुड़िया में कोई बहू नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, समोसे बन रहे, पकौड़ी बन रही, देसी मिठाइयों का यहाँ भंडार हुआ है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, यहाँ कुछ जुआ भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। का मर्द निराल बलकुड़िया के बहू के बाड़ा का बलकुड़िया नहीं कर रही गई का हो गई बा बलकुड़िया का रह गई बा। अच्छा बलकुड़िया के कोनो खास खासियत? बहुत खासियत बा, सुनने लिखवा बता दी सब पूरा। अच्छा 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 बेटा क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार रोनिया। मुन्ना जी आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे होंगे जी, कितना तक पढ़ाई किया है आपने? इंटर में पढ़ते हैं अभी। इंटर में अभी पढ़ रहे हैं? उदित नारायण से, उदित नारायण में पढ़ते हैं, पडरौना में। पडरौना में, बहुत अच्छा। यहाँ सुने कि पिछली साल बहुत बड़ा कोई पंडाल बना था जी, बना पंडाल था। पंडाल के विषय में कुछ बताएंगे? जी बना था बाहुल माहिष्मती बाहुबली पंडाल, जो बना था 120 फुट ऊंचा था जी, और 80 फीट लंबा था जी। जो उसमें बहुत बहुत जो बलकुड़िया है इस समय बहुत विकास के स्तर पे है जी। जो किसी को बलकुड़िया का बहू कहने से नहीं हो सकता है जी, जी। जो बलकुड़िया का बहू कहता है वो खुद बहू है। पहले वो अपने अंदर देख ले कि पहले वो ये बताइए, इतने लोग से आप पूछे हैं किसी को बहू का आप देखे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतने दूर में किसी को आप बहू देखे हैं? कम से कम 20 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई यहाँ पे बलकुड़िया का बहू नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर आप कैसे क्वेश्चन उठा दिए कि हम लोग बलकुड़िया का बहू है? वाह, आपको क्वेश्चन ही उठाना नहीं बलकुड़िया। बहुत गुड मुन्ना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई साहब और भी हैं, आपसे भी बात करते हैं। सर आप क्या करते हैं? हम कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो निवास आपका बलकुड़िया ही है या बलकुड़िया के ही रहने वाले हैं? ये बलकुड़िया के बाऊक को खोजने हम आए हैं। देखिए यहाँ क्या कुछ बाऊक जैसा, गंवार जैसा कोई भी चीज इस समय नहीं है। जब रहा होगा रहा होगा, मतलब पहले जो था जी वो यहाँ आयोडीन की कमी पाई जाती थी, जिसके वजह से घेगा होता था। घेगा होता था और मानसिक जो है पिछड़ापन यहाँ पहले से ही है, क्योंकि अशिक्षा यहाँ बहुत गहरी पैठ बनाई हुई थी। ठीक, मतलब मेन कारण बलकुड़िया के बहू का अशिक्षा ही थी। हाँ, और घेगा था। घेगा मतलब वो गले में जो बड़ा सा ऐसा हो जाता था, उसको ही घेगा घेगा बोलते थे जी जी जी। ऐसी गलत हरकत करते थे, कुछ भी ऐसा गलत करते थे तो लोग हमारे ही गांव के लोग, हमारे ही जिले के लोग बताते थे कि बलकुड़िया के बहू हवा का। तो इसके विषय में ये कहानियां कैसे प्रचलित हुई, इसके विषय में कुछ जानकारी आपको है? पहले कुछ मान लीजिए कि आयोडीन का कमी था, शिक्षा का कुछ कमी था, अभाव था, लोग ऊँची आवाज़ में सुनते थे, कुछ इस प्रकार का पाया जाता था लक्षण। इस समय तो आप ये जान ही रहे हैं, आप खुद ही घूम रहे हैं गांव में। देखिए हमारा संयोग कितना अच्छा रहा, अब बलकुड़िया बलकुड़िया नहीं रह गया, यहाँ राजेश सिंह भी रहते हैं। राजेश सिंह के विषय में मैं बता दूँ, सबसे पहले राजेश जी आपको नमस्कार, और आप ही अपने विषय में बताएं। जी मेरा नाम राजेश सिंह है और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बलकुड़िया इंटर कॉलेज, जो किसान इंटर कॉलेज है, यहाँ से लिया और यहाँ 8वीं क्लास पढ़ा, फिर मनसा छापर से पढ़ा 10। चेहरे का तेज ही बता रहा कि आप काफ़ी तेजस्वी हैं, तो क्यों ना ये बताएं कि आपके कौन बनेगा करोड़पति और के बनी करोड़पति के विजेता हैं? जी जी, तो मैं 2010 में अमिताभ बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन के साथ 2010 में KBC में गया था खेलने और 12.5 लाख रुपये जीता था, बट थोड़ा सा लगा कि कुछ कम रह गया, तो दूसरा मौका ज़िंदगी ने फिर दिया और भोजपुरी में जो KBC हुआ था, के बनी करोड़पति, तो उसमें मैंने 1 करोड़ रुपए जीता था और केवल एक ही लाइफलाइन यूज़ किया था 50-50। अच्छा अच्छा जी, और 2 लाइफलाइन मेरे पास थी जब 1 करोड़ का सवाल था जी। और सवाल मैं जानता था जी, और वो दिन हमारे ज़िंदगी में एक बड़ा चेंजिंग मोमेंट था। मैं खुद ही जीतूंगा और लाइफलाइन के भरोसे ऊपर के सवाल पे नहीं रहूंगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन में मैंने एक ही सवाल में 3 लाइफलाइन खर्च कर दिया था ऊपर जाके, तो वो मैं सीख थी मेरे पास और मैं अपने बुद्धि विवेक पर ही खेलना पसंद किया
और 12.5 लाख जब आपने पहली बार जीता उस समय आपको बहुत आनंद आया होगा 12.5 लाख में ही, तो एक करोड़ में कितना फीलिंग हुआ होगा? देखिए 12.5 लाख में जो सबसे बड़ी फीलिंग थी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ 2 दिन गुजारना। क्या बात है, वो जिंदगी का पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आज वो 12.5 लाख की कीमत कम हो गई मेरे लिए, लेकिन जो अमिताभ बच्चन के साथ मोमेंट है जो गुजारा हुआ 2 दिन, जो वो ऐसे कंधे पर हाथ रखे थे, क्या बात, अभी भी उनका यहाँ पे महसूस होता है अमिताभ। महसूस तो मुझे होने लगा कि मैंने एक करोड़पति ने मेरे ऊपर हाथ रखा, वो बहुत ही विचित्र। राजेश जी उस समय पैसे की तो बहुत अहमियत रही होगी आपके लिए, आपके जीवन में, उसके पहले आपने पैसे को इतना सारा एक ही बार में देखने की कल्पना की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमने करियर अपना शुरू किया था तो मैं एयरफोर्स में था, पहली नौकरी हमारी एयरफोर्स में थी जी। 4 साल में मैंने एयरफोर्स से नौकरी से रिजाइन दिया, फिर स्टेट बैंक PO ज्वाइन किया था जी जी। लेकिन नौकरी पैसा आदमी के लिए 12.5 लाख रुपए एक बार देखना हमेशा एक मुश्किल का काम रहता है, और मैंने उसमें 1 करोड़ ने तो 4 चार लगा दिए, तो मैं उसके बाद उस पैसे ने मेरी ज़िंदगी में जो चेंज लाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक वो नहीं मैंने अपने क्षेत्र में शेयर किया, लोग जानते ही केवल। उस पैसे से मैंने अपने बिजनेस शुरू किया जी, और 2014 से मैंने अपना काम शुरू किया। 6 सालों में मेरी कंपनी ने 1800 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। क्या बात है, क्या बात है, 1800 करोड़, बधाई हो आपको। और उस 1 करोड़ की जगह मैं आज पिछले 6 सालों में करीब 10 करोड़ रुपए मेरी कंपनी ने कमाए हैं। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि पैसे का आपने एकदम से जैसा चाहिए उस तरह का सदुपयोग किया जी। बहुत तो बहुत, वो एक ऐसा लोग कम कर पाते जी। वैसा देखिए आमतौर पर करोड़पति तो बहुत सारे लाद, करीब 10 से 11 लोग 1-1 करोड़ और 5-5 करोड़ जीत चुके हैं KBC में जी। लेकिन उस पैसे का सही उपयोग मेरे नज़र में जितने लोग हैं, मेरे मित्र भी हैं उसमें से कुछ, किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने रिस्क लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ा, और भगवान की कृपा रही कि मैं सफल हुआ उसमें, और आज एक अच्छे मुकाम पर हूँ, और मेरे 2 ऑफिसेज हैं अहमदाबाद में और दिल्ली में, और इंडिया में 8 शहरों में हमारी कंपनी काम करती है। राजेश जी अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे जी? हमारी कंपनी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कॉरपोरेट्स हैं, अदानी ग्रुप है जी जी, ऐसे जो इस क्लास की जो कंपनियां हैं उनके लिए हम लोग इक्विटी रेस करते हैं, मतलब उनके लिए पूंजी जो चाहिए होता है बिजनेस के लिए वो हमारी कंपनी रेस करती है, और एक मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उसे कहा तकनीकी भाषा में। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि मेरी पत्नी भी KBC में गई थी अमिताभ बच्चन के साथ 2011 में, बहुत बढ़िया, और उन्होंने 6,40,000 रुपये जीता था, उनने भी जीता था जी। बहुत 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 बधाई आप दोनों, ये यूनिक है, हम लोग पति पत्नी शायद इंडिया में जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ उस कुर्सी और उस मुकाम पे देखा है। और मैं 2 बेस्ट सेलिंग इंग्लिश नॉवल लिखा हूँ 2010 में और 2012 में। आश्चर्य हैं आप तो, आश्चर्य जी। गूगल करेंगे अमेजन पे मेरी बुक अभी बिकती है, रॉयल्टी अभी भी आती है जी। तो 2 इंग्लिश के नॉवल मैंने लिखी, 3 भाषाओं में प्रकाशित हुई, एक सीक्रेट्स ऑफ ए करोड़पति मैंने लिखा था, और दूसरा दैट हार्डली हैपेंस टू समवन डायमंड ने पब्लिश किया था। तो ये दोनों बुक्स लिखने के बाद फिर मैंने बिजनेस की तरफ जब से रुख किया तब से लिखने का समय कम मिला, तो अपने बिजनेस में ये भी आनंद आ रहा है, रमा हुआ हूँ। राजेश जी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, मैं दर्शकों से भी ये गुजारिश करूँगा, उनसे भी ये चाहूँगा कि आपकी बुक को पढ़ें, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार। मंदिर है यहाँ पे, मस्जिद है यहाँ पे, 4-4 विद्यालय हैं, यहाँ की सड़कें भी साफ़ सुथरी हैं, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ हमारी टीम के लिए जलपान की भी व्यवस्था हमारे प्रधान जी ने कराई, हमारे लोगों की काफ़ी अच्छी मदद की यहाँ के लोगों ने। कैमरामैन संदीप मिश्र, पत्रकार के साथ मैं DK पांडे, कुशीनगर समाचार के साथ, नमस्कार।